हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहनाज अप्रीज। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। दो गुड न्यूज़ से ब्रिजेश वाली गुड न्यूज़ है, या इस वीडियो के एंड तक सब लोग बने रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट दैट टुडेस वीडियो। सो गाइस, आप लोगों को क्या करना है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सो गाइस, राहुल सुधीर ने जो है ना, मैंने आप लोगों से लाइव पर बताया था, मेरे जो राहुल सुधीर ने हलीशा के लिए कुछ कहा है, हलीशा के रिलेटेड कुछ कहा है, वो हमारे राहुल फैंस के लिए बहुत ही ब्रिजेश वाली गुड न्यूज़ है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं, बता देते हैं आप लोगों को क्या गुड न्यूज़ है। सो गाइस, राहुल सुधीर जो इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स, मतलब अवार्ड का जो फंक्शन हुआ था ना, फंक्शन तो हुआ था, तो उसमें हमारे राहुल सुधीर एंड हलीशा दोनों ही आए थे, मतलब राहुल आए थे और राहुल सुधीर और हलीशा ने ब्लैक ही पहना था। राहुल सुधीर ने कोट पैंट ब्लैक कलर का और हलीशा ने भी ब्लैक कलर का ही फुल मतलब ड्रेस पहना था। सो गाइस, ये एक फर्स्ट एक गुड न्यूज़ का एक फर्स्ट पार्ट हो गया। उसका सेकेंड पार्ट एकदम बहुत ही ब्रिजेश, उनसे क्वेश्चन इंटरव्यू में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं ना। सो राहुल सुधीर से पूछा गया भाई, राहुल सुधीर से पूछा गया कि आप मतलब बिग बॉस 15 में आप आना क्यों नहीं चाहते थे, मतलब किस लिए आप, मतलब आपको अगर ऑफ़र नहीं भी आया तो आप उसमें जाना चाहते हो। फिर उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। और फिर उनसे बोला गया कि क्यों, कौन सा रीज़न, क्या रीज़न, किस वजह से आप नहीं जाना चाहते हो। सो उन्होंने बताया कि मैं अगर वहाँ पर अगर हेली हुई तो मैं हेली के साथ लड़ाई करना नहीं चाहता। मतलब आप लोगों को पता होगा बिग बॉस शो का स्क्रिप्ट ही ऐसा है कि लड़ाई करनी पड़ती है। जैसे कि आप लोग सोच लो, अभी एक जैसे आप लोग यहाँ पर सोच लो, अभी एक यहाँ पर जो एक बेड है, बेड जैसे दो बेड है, तो वहाँ पर जो है लड़ाई होगी दो बेड को लेके, एक बेड को लेके। तो वैसे ही स्क्रिप्ट है उस शो का। जैसे कि यहाँ पर एक जो है एक कुछ होगा, जैसे कि आप लोग सोच सकते हो एक बैग है किसी का, सो दो लड़की में एक लड़ाई होगी। सो किसी लड़का मतलब एक ऐसा चीज़ रहेगा जो लड़का भी यूज़ करते हैं, लड़की भी यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ रखी होगी, हम लोग ऐसा सोच रहे हैं। तो आप लोग सोच के देख सकते हो राहुल सुधीर और हलीशा के बीच में लड़ाई, एक मतलब लड़ाई का एक सिचुएशन आ जाएगा। मतलब उन लोग लड़ाई नहीं करते, उस शो बिग बॉस शो का स्क्रिप्ट ही वैसे ही है। वैसे हम लोग मतलब स्क्रिप्ट ही वैसा ही है, हम लोग को जो लड़ाई ही करनी हुई, जो भी शो में पार्टिसिपेट करे मतलब उस शो में आएगा बिग बॉस के घर में, उसको लड़ाई ही करनी पड़ेगी, उसके बाद वो चला जाएगा। जैसे हिना खान ने किया था, मैंने देखा था। सो बिग बॉस शो मुझे तो खास नहीं लगता और मैं देखती भी नहीं हूँ, हेट करती हूँ शो को, आई हेट बिग बॉस, और उतना भी अच्छा नहीं शो है। और गाइस, आप लोग देख सकते हो राहुल सुधीर इतनी सी अच्छी बात की है कि वहाँ पर हेली के साथ मैं लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ। मतलब हमारे राहुल सुधीर जो है ना, वो हेली के बारे में ऐसा सोचते हैं। हमारी राहुल सुधीर जो है हलीशा को, मतलब हलीशा से वो कोई भी चीज़ को, इतनी छोटी बड़ी वो कुछ नहीं देखेंगे, वो लड़ाई कभी भी नहीं करेंगे। और बिग बॉस में तो बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई होती है, तू यहाँ से भाग, गाली गलाज, ये वो, मतलब बहुत कुछ होता है। मतलब गाली तो होती है और होता है कि तुझको जूता मारूंगी, तुझको ये करूंगी, तू मुझे मारेगा, कर गाली दे, ये वो, तो बहुत कुछ होता है। तो हमारे राहुल सुधीर हलीशा के मतलब हलीशा के लिए मतलब मतलब ये नहीं कह सकते कि वो हलीशा के लिए ये नहीं कर, मतलब ऑफर नहीं ले रहे। वो जानते हैं कि अगर वो मतलब उसमें अगर हलीशा अगर ऑफ़र अगर एक्सेप्ट वो कर लेगी और हमारे राहुल सुधीर भी कर लेंगे, सो राहुल सुधीर और हलीशा को लड़ाई करनी ही होगी। और वो कोई शो को एक्सेप्ट करके ऐसे रिजेक्ट थोड़ी ना कर सकते, तो वो डिनाई ही करेंगे बिग बॉस को। उन्होंने बता दिया इसका रिज़ल्ट, मतलब अगर उनको ऑफ़र सच में आया, एक बार तो आया था बट वो तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ, वो तो झूठी फेक बात निकली, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। फेक बात निकल गई तो निकल गई भाई, निकल गई, सो अब हम लोग थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं। तो गाइस, अब आप लोगों को जो है ना क्या करना है, आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और राहुल सुधीर और हलीशा का भी यूट्यूब चैनल है, राहुल सुधीर का बहुत पहले से है और हलीशा का जो है अभी अभी उन्होंने मतलब अगले साल ही उन्होंने जो है चैनल ओपन किया है। तो गाइस, राहुल सुधीर अभी चैनल पर अपने चैनल पर वीडियो नहीं डाल रहे हैं, पता नहीं क्यों, मतलब ओल्ड वीडियोज़ ऑफ स्क्रीन को वो अभी डाल रहे हैं। और हलीशा भी न्यू वीडियोज़ बना
बना रही है, क्योंकि वो जो है व्लॉग ज़्यादातर करती है। बट राहुल सुधीर को पता नहीं क्या है भाई, उनका नेचर ही क्या है, वो कभी व्लॉग वगैरह नहीं करते, फ़ोटोशूट भी नहीं करते हैं। कभी कभार कहीं अगर जाते हैं तो एक आध फ़ोटो सीन, मतलब एक आध फ़ोटो स्टोरी पर रख देते हैं या फिर मतलब वो पोस्ट करते हैं, यही वो करते हैं। सो गाइस यही था बस गुड न्यूज़, यही था बस अपडेट। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस अपडेट, देन सब्सक्राइब दिस चैनल। सो गाइस इस लाइक का यहीं पे एंड, मतलब इस वीडियो का यहीं पे एंड होता है। कोई न्यू धमाकेदार अपडेट्स के साथ मैं आप लोगों के साथ न्यू वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।